पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव, जिन्हें BRS के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के साथ मुबैना तौर पर मिली भगत के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया था, उसको आंध्र प्रदेश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हैदराबाद पुलिस ने खुफिया इतला के बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के गुंटकल से गिरफ्तार किया, जब वो मुबैना तौर पर एक हफ्ते से ज़्यादा लापता था। दुर्गा राव ने हाईकोर्ट में पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त की थी, जबकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। दुर्गा राव ने मुबैना तौर पर साबिक MLA के साथ मिली भगत करके अपने बेटे राहिल आमिर को नशे में ड्राइविंग केस में राहत दे दी, जब उसने अपनी लग्जरी कार BMW को 24 दिसंबर को प्रजा भवन के बाहर एक डिवाइडर पर चढ़ा दी। शकील आमिर की राव से फ़ोन पर बातचीत के बाद राहिल को इंस्पेक्टर ने रिहा कर दिया और अपने वालिद के पास रहने के लिए दुबई रवाना कर दिया। राहिल के फरार होने के चंद घंटे बाद एक अब्दुल आरिफ पुलिस स्टेशन में ये दावा करते हुए आया कि वो इस हादसे का सबब बना और उसे हिरासत में ले लिया गया और FIR में मुलजिम के तौर पर नामजद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात के बाद पुलिस के आला हुकाम को कुछ मुश्तबा पाया। मज़ीद तफ्तीश के लिए उन्हें शकील और राव के दरमियान फ़ोन कॉल का पता चला।